जब मैंने इसके 20 एपिसोड देखकर वीडियो बनाई थी, इसका रिव्यू किया था, तब यहां पर मैंने इसकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। मैंने बताया था कि इसने हंटर एक्स और अटैक ऑन टाइटन को मतलब रेटिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन लगता है कि तभी वहीं इसको नजर लगी और इसके 20 एपिसोड के बाद 21, 22, 23 इन तीनों एपिसोड में ये सीरीज काफी ज्यादा डाउन गई। तब मैंने एक न्यूज वहां पर पढ़ी भी थी कि इस सीरीज ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद अब इसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। तब मैंने सोचा था कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, बट फिर सोचा कि नहीं यार एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, इसके 24 एपिसोड आ जाते हैं, फिर वहीं एकदम मतलब पूरा एनालिसिस कर लेंगे। तो 24 जब एपिसोड आता है तो सच कहें कि जितनी हाइप क्रिएट हुई थी 20 एपिसोड देखकर और 21, 22, 23 में जितनी हाइप मतलब नीचे गई है, उसने सारा मामला सही संभाल कर हमारे सामने यानी बैलेंस बना दिया 24th एपिसोड ने। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा टोक्यो रिवेंजर्स एनिमे सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 24 एपिसोड है और ये पूरी सीरीज मतलब अभी पूरा सीजन खत्म हो चुका है, अब इसका सेकंड सीजन आने वाला है। अब वो मुझे नहीं पता, इसके बारे में अभी तक मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है ना कुछ मैंने सर्च किया है। ऑलरेडी इस एनिमे सीरीज के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, बट फिर भी एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को दे देता हूं कि इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो क्या होने वाली है। एक कैरेक्टर है ताकीमिची जो प्रेजेंट में है, मतलब प्रेजेंट का टाइम समझ लो, अब वहां पर उसकी जो एक्सजीएफ है प्रेजेंट के टाइम में उसकी डेथ हो जाती है, उसको मतलब कोई मार देता है, टोमान ग्रुप जो होता है उसको मार देते हैं। अब उसको पता चलता है कि इसके पास एक मतलब ताकीमिची को पता चलता है कि इसके पास एक पावर है, ये पास्ट में जाकर उस एक्सीडेंट को टाल सकता है, लेकिन इतना नहीं कि वो पास्ट में दो दिन पहले चला जाए, 12 साल पहले जाता है और 12 साल में जो टोमान ग्रुप बन रहा होता है, तब यहां पर सोचा कि क्यों ना इस टोमान ग्रुप में कुछ ऐसी चीजें कर दूं ताकि वो एक्सीडेंट फ्यूचर में होने वाला मतलब टल जाए। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होता, पास्ट में जाकर कुछ चीजें चेंज करने से फ्यूचर में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन वो घटना अभी भी नहीं बदलती है। खैर इससे ज्यादा मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि यार देखो मैं ऑलरेडी एक जो मैंने कहा वीडियो बना चुका हूं, तो अब दोबारा से इसके ऊपर बात करना मुझे वो सही नहीं लगता। अगर आप लोगों को वो चीजें जाननी है कि क्या हुआ, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, तो जाकर मेरी एक और वीडियो देख सकते हो इसी चैनल के ऊपर, एक दो व्यूज और बढ़ जाएंगे यार। तो अब आते हैं इसके विश्लेषण के ऊपर कि एनिमे की स्टोरी कैसी है, इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट कितने हैं, ब्लैब 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 ब्लैब। इस एनिमे सीरीज की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, 20 एपिसोड तक तो काफी बढ़िया रहेगी, लेकिन 3 एपिसोड जो आएंगे 21, 22, 23 उसमें समझो कि यार आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इसके मेकर्स ने बड़ी समझदारी के साथ 24 जो एपिसोड है वो इतना बढ़िया इन्होंने हमारे सामने रिप्रेजेंट किया, हम इनकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली 24 एपिसोड का फर्स्ट सीजन रहा है तो इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। अब एक कैरेक्टर से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही है, मैं ऑलरेडी उसके बारे में बात की थी, ताकीमिची के नाम का जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, उससे काफी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम इसलिए रही कि इसके इंटायर सीजन के अंदर जितना डेवलपमेंट इस कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए था वो हो नहीं पाता। जैसे हम स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि डरता है ये किसी का सामना करने से, वो भी हमें 24th एपिसोड में इसकी वैसी ही हालत हमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में मतलब रोंदू होता है, लास्ट तक ये रोता ही रहता है, मतलब इसको कैप्टन जब बनाया जाता है फर्स्ट डिवीजन का तब भी ये रोता ही रहता है। मतलब कमाल है यार, तुम थोड़ा बहुत तो साहस कर लो, हिम्मत ले आओ अपने अंदर, इतनी चीजें तुम्हारे सामने हो चुकी है, इतनी चीजों को तुम फेस कर चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर वो बचपना है और इसे पता है कि पास्ट में क्या होने वाला है क्योंकि फ्यूचर से आया हुआ होता है, लेकिन बावजूद इसके ये सामने खड़ा होकर तमाशा देख रहा होता है, इसके सामने चीजें घट रही होती है, रोकने की भी कोशिश नहीं करते, हाँ थोड़ी बहुत कोशिश करता है, लेकिन यार वो इतनी मतलब जितना होना चाहिए ना, इसको अपना 100% वहां देना चाहिए, इसको चीजें करनी चाहिए वहां पर, वो उतना कर नहीं पाता, मतलब डर रहा है या चीजें कुछ कर रहा है, ये थोड़ा सा करेक्टर मुझे वीक लगा यहां पर। और ये जो एनिमे सीरीज है वो किसी भी लव स्टोरी के ऊपर आधारित नहीं है, मतलब ये सोचो कि हाँ इसके अंदर ये लड़की को बचाने जा रहा है तो इसके अंदर लव एंगल हमें देखने को मिलेगा। देखो इंटायर सीजन देखने के बाद जितना भी लव स्टोरी के बारे में बात करूं वो ना मात्र के बराबर है, जो एक लड़की जो इसके अंदर दिखाई गई है उसको मतलब बहुत कम टाइम आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो इसका मेन फोकस है वो एक गैंग कैसे बन रहा है, जो टोमान ग्रुप मैंने बताया ये कैसे बन रहा है, इसके अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, फ्रेंडशिप के बारे में इसके अंदर दिखाया जा रहा है। तो जो ये सोच रहे हैं कि यार ये लव स्टोरी होने वाली है, तो नहीं, ये लव स्टोरी नहीं है फिलहाल। फर्स्ट सीजन के अंदर तो मुझे ऐसा नहीं लगा, शायद सेकंड सीजन के अंदर हमें फोकस उसकी तरफ देखने को मिल सकता है। और जब फर्स्ट सीजन जिस मोड पर खत्म किया जाता है, सच कहूं यार हमारी हाइप इतनी ज्यादा हाई हो चुकी होती है, हमें बस इतना इंतजार है कि यार इसका सेकंड सीजन कब आएगा, कितने उस मोड पे खत्म करना है, मतलब उसको एक्सप्लेन कैसे करूं, वो शब्द नहीं मिल पा रहा, मतलब ऐसा लगता है कि यार थोड़ा बहुत और दिखा देते यार, एक थोड़ा सा ठहराव ला देते, और ठहराव लाने के बाद इसके फर्स्ट सीजन को खत्म कर देते, शायद थोड़ा सा हमें मतलब
होता ना यार, कुछ चीजें मिल जाती है, लेकिन वो नहीं है यहां पर। यार मैं सच कह रहा हूं, मुझे वो शब्द नहीं मिल पा रहा है। समझो यार, समझ रहे हो ना, पूरे सीजन के अंदर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, इतनी इच्छा होगी कि यार आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। इतना बढ़िया अच्छे से डिजाइन किया, अगर आप इसकी स्टोरी को अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलता है कि यार हाँ, जब ये ताकेमिची पास्ट में जाता है, कुछ चेंज करता है, कुछ इंसिडेंट चेंज करता है, तो फ्यूचर में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, लेकिन अब उससे कुछ और चीजें होने लग जाती हैं। अब उसको रोकने के लिए फिर से इसको कुछ और चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, और ये इसी साइकिल में फंस के रह जाता है कि भाई हाँ इसको चेंज करना है, फिर देखना है फ्यूचर में कितना असर पड़ा। तो इतना आसान नहीं है, तो दिल लगता है कि हाँ यहां पर अच्छे से काम किया गया है स्टोरी के ऊपर। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसकी जो एंडिंग होगी, ये पूरा सीरीज है, ये खत्म होगी, तो इसकी एंडिंग कैसे की जाती है, कैसे हमारे सामने रिप्रेजेंट की जाती है। बेसब्री से उस दिन का इंतजार है कि यहां पर एंडिंग बहुत शानदार होने वाली है, जो मैं देखना चाहता हूं। अब फर्स्ट डिवीजन को इसको कैप्टन बनाया गया ताकेमिची को, तो वो चीज देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि हां अब ये कैसे लीड करेगा, कैसे चीजों को आगे बढ़ाएगा। अब जैसे इसने कहा था, हां शायद थोड़ा स्पॉइलर हो सकता है, कि भाई हाँ अब मैं ही तुमान को चलाने वाला हूं, मैं ही अपने अंडर लूंगा इस चीज को, जैसे इसने बड़ी डींगे हांकी थी। लेकिन जो रोंदू है, पता नहीं वो कैसे लेगा, वो तो देखो यार आने वाले टाइम में, ये जो सीजन आएगा, जो सीरीज आगे बढ़ेगी, उसी में हम बता सकते हैं। खैर, अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अभी फिलहाल खत्म हुई है, तरोताजा ही सीरीज है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। सर अगर आप लोगों ने, मतलब ये दोबारा से बोलो, अगर नहीं देखी है तो जाकर देखो, बहुत बढ़िया सीरीज है। अब कंपेयर मत करने बैठना हंटर एक्स हंटर से और इसको अटैक ऑन टाइटन से, वो अपनी जगह अच्छी हैं, ये अपनी जगह अच्छी हैं। और ये जो सीरीज है वो आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेगी, इंग्लिश डब में नहीं है। हिंदी का तो यार देखो नाम ही लेना ही खराब है यहाँ पर। तो बस आज के इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।